मृणाल ठाकुर, यांग टैलेंटेड और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस है, जिन्होंने बॉलीवुड के साथ ही साथ मराठी और तेलुगु फिल्मों पर भी काम की है। और आज मैं सीतारामम के एक्ट्रेस मृणाल की बॉक्स डिस्कशन के बारे में बताने वाली हूँ। तो अगर आप हो मृणाल की फैन तो वीडियो शुरू से तक जरूर देखिए और एक लाइक भी करिए। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर वन, व्यक्ति दांदु। ये 2014 का मराठी फिल्म है जहाँ पर दिलीप और अशोक को लीड रोल में नजर आई है और इसका स्टोरी प्री इंडिपेंडेंस एरा पर बेस्ड है, जहाँ पर बजट था 2 करोड़, कलेक्शन रहा 9 करोड़ और ये रहा सुपरहिट। नंबर टू, सूरज। ये 2014 का मराठी फिल्म है जहाँ पर वाइवाब और मृणाल ठाकुर लीड रोल में नजर आई है और इसमें बंदैया और डॉक्टर सपना दोनों ने मिलकर कैसे गांव में एक हॉस्पिटल बनाते हैं वह इसमें दिखी है, जहां पर बजट था 2 करोड़, कलेक्शन रहा 8 करोड़ और ये रहा हिट। नंबर थ्री, लव सोनिया। ये 2018 का हिंदी ड्रामा फिल्म है जहां पर मृणाल ठाकुर को लीड रोल में नजर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी रोल के लिए लगभग 2500 लड़की ने ऑडिशन दिया और इसके बाद मृणाल को की गई है सिलेक्ट। और बता दोस्तों, इसमें सोनिया कैसे क्राइम की दुनिया में फंस जाती है वही इसमें दिखी है, जहाँ पर बजट था 15 करोड़, कलेक्शन रहा 8 करोड़ और ये रहा डिजास्टर। नंबर फोर, सुपर 30। ये 2019 का बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जहाँ पर बॉलीवुड का हैंडसम हंक ऋतिक रोशन और साथ में मृणाल ठाकुर लीड रोल में नजर आई है, जहाँ पर ऋतिक को मैथमेटिशियन आनंद कुमार और मृणाल को एक प्रोफेशनल डांसर के रोल में दिखी है। और इसका स्टोरी एक ब्रिलियंट मैथ टीचर आनंद और उनका इंस्टीट्यूशन सुपर 30 के पीछे छुपा हुआ कहानी को दिखी है और इसका बजट था 60 करोड़, इनहैंड कलेक्शन रहा 180 करोड़, वर्ल्डवाइड कलेक्शन रहा 208 करोड़ और ये रहा सुपर हिट। नंबर फाइव, बटला हाउस। ये 2019 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है जहाँ पर जॉन अब्राहम और मृणाल को लीड रोल में नजर है और इसमें जॉन ने डीसीपी संजीव कुमार का रोल प्ले किया है, जिन्होंने दिल्ली का बाटला हाउस में टेररिस्ट का डेडली एनकाउंटर करते हैं और इसमें जॉन का रहा काफ़ी प्रॉमिसिंग एक्टर, जहां पर बजट था 50 करोड़, ये फिल्म कलेक्शन किया है 120 करोड़ का और ये रहा सुपरहिट। नंबर सिक्स, घोस्ट स्टोरीज। ये 2020 का एंथोलॉजी हॉरर फिल्म है जहाँ पर 4 शॉर्ट स्टोरी को एक साथ करके दिखाई है और इसमें मृणाल ठाकुर, जानवी कपूर, रघुवीर लीड रोल में नजर आई है और ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ था। नंबर सेवन, तूफान। ये 2021 का स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जहां पर फरहान अख्तर और मृणाल ठाकुर को लीड रोल में नजर आई है। इसमें आजू भाई कैसे एक नेशनल लेवल बॉक्सर बनते हैं वही इसमें दिखी है और ये फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुआ था। नंबर एट, धमाका। ये 2021 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है जहाँ पर कार्तिक आर्यन को एक जर्नलिस्ट के रोल में नजर आई है और जहाँ पर इसका स्टोरी टेररिस्ट का इंटरव्यू से जुड़ा कर दिखाई है और ये फिल्म भी ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ था और ये डिजिटली रहा ब्लॉकबस्टर। नंबर नाइन, जर्सी। ये 2022 का स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जहाँ पर शाहिद कपूर को एक फॉर्मर क्रिकेटर और साथ में मृणाल ठाकुर को नजर आई है और इसमें एक टैलेंटेड पर फेलियर क्रिकेटर का स्टोरी को दिखाई है और सभी लोग जानते हैं कि फिल्म 2019 का नेचेस्टन नानी स्टेरर जर्सी फिल्म का ऑफिशियल रीमेक रहा, जहां पर इसका बजट था 90 करोड़, ये फिल्म कलेक्शन किया है सिर्फ 30 करोड़ का, ऐसा करके रहा डिजास्टर। नंबर टेन, सीतारामम। और ये रिसेंट रिलीज 2022 का प्योर रोमांटिक ड्रामा फिल्म रहा और इसी फिल्म के साथ मृणाल ने किया है अपने तेलुगु डेब्यू, जहाँ पर इसमें दुलकर सलमान, मृणाल ठाकुर और रश्मिका मंदाना नजर आई है और इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिला है ह्यूज पॉजिटिव रिस्पॉन्स, जहाँ पर दुलकर का परफॉर्मेंस रहा काफ़ी ट्रेमेंडस और साथ में मृणाल और दुलकर के बीच में केमिस्ट्री सबका दिल जीत लिया है और ये एक फिल्म नहीं बल्कि एक इमोशनल जर्नी है और जहाँ पर हर एक क्लासिकल फिल्म लवर के लिए ये एक मस्ट वॉच फिल्म है, जहाँ पर इसका बजट था 30 करोड़, ये फिल्म सिर्फ 4 डेज में 30 करोड़ का कलेक्शन दिया है, यानी कि सीतारामम एक श्योर शॉट ब्लॉकबस्टर का रोड पर है। नंबर 11, गुमराह। ये एक अपकमिंग क्राइम थ्रिलर फिल्म है जहाँ पर आदित्य रॉय कपूर को ट्विन भाई के रोल में नजर आएंगे और दूसरी तरफ मृणाल को एक पुलिस के रोल में दिखा जाएगा
और बता दोस्तों, ये फिल्म तमिल का ब्लॉकबस्टर थ्रिलर फिल्म थाडम का ऑफिशियल रीमेक है। नंबर 12, आंख में चोली। ये अपकमिंग कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जहाँ पर अभिमन्यु दसानी और मृणाल कोहली ट्रोल मनाएंगे और इसमें एक शादी से जुड़ा कर कहानी को दिखाया जाएगा। नंबर 13, पिप्पा। और एक अपकमिंग वॉर एक्शन फिल्म है जहाँ पर मृणाल के साथ ईशान खत्तर को लीड रोल में दिखाया जाएगा और इसका स्टोरी ब्रिगेडियर बलराम सिंह के ऊपर बेस्ड है और जहाँ पर इसमें 1971 का इंडो पाकिस्तानी वार को दिखाया जाएगा। नंबर 14, पूजा मेरी जान। और ये अपकमिंग थ्रिलर फिल्म है जहाँ पर हुमा कुरैशी, मृणाल ठाकुर, विक्रम सिंह लीड रोल में जाएंगे। इसमें एक यंग लड़की पूजा से जुड़कर कहानी को दिखाया जाएगा। तो उसे ये रहा मृणाल ठाकुर के कैरियर में फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो इस लिस्ट पर कौन सा अपकमिंग फिल्म के लिए आप ज़्यादा एक्साइटेड है कमेंट पे बताइए और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए और इसके बॉलीवुड साउथ इंडियन अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।